अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही महाभियोग की जांच रिपोर्ट आ गई है, जिनमें उन्हें दोषी करार दिया गया है। अमेरिका की राजनीति में बदलते घटनाक्रम के बीच कैलिफोर्निया की शक्तिशाली डेमोक्रेटिक सांसद भारतीय मूल की कमला हैरिस ने राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है। 55 वर्षीय हैरिस ने अपने कैंपेन स्टाफ से बात कर इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं अपने समर्थकों से गहरे अफसोस के साथ पूरी कृतज्ञता के साथ माफ़ी मांगते हुए बताना चाहती हूं कि मैं आज अपना चुनावी अभियान खत्म कर रही हूं, लेकिन मैं आपको साफ कर देना चाहती हूं कि लोगों को न्याय और सभी को न्याय जिसके लिए ये अभियान है, मैं हमेशा उसके साथ हूं और रोज़ाना उसके लिए लड़ूंगी। बताया जा रहा है कि कमला हैरिस ने अपनी गिरती लोकप्रियता के कारण ये फैसला लिया है। हाल ही में जारी की गई पोल रिलीज के मुताबिक हैरिस की लोकप्रियता महज 3% रह गई है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।